अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिमेश फैमिली। क्या हाल है सबका? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह देखिए केक परचेज हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मेरा केक एक्चुअली प्रिपेयर नहीं हो पाया था। एक दो मटेरियल अवेलेबल मेरे पास नहीं था और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये वाले जो केक परचेज हुआ, शाहिद भाई का बर्थडे का केक, उनका एक्चुअली बर्थडे हर 4 ईयर्स में आता है, मतलब लीप ईयर डे में होता है, 29th ऑफ फेब। और उनका जो बर्थडे हुआ वीकडेज में, स्कूल ऑब्वियसली खुला हुआ था तो स्कूल में बहुत डिफरेंट तरीके से विश नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए सोचे केक मंगवा देते एंड बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, कुछ स्टूडेंट्स को बुला लेते एंड देन उन लोग के सामने केक कट करते, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए सीक्रेटली केक परचेज करके लाए एंड लाने के बाद सारे स्टूडेंट्स को बुलाए एंड कुछ टीचर्स से, एक्चुअली मॉर्निंग के टीचर्स कोई नहीं है अभी, सारे डे के टीचर्स अवेलेबल है, तो सारे टीचर्स के सामने केक कट हुआ। तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली सरप्राइज था उनके लिए, मतलब शाहिद भाई के लिए, बिकॉज उनको कुछ आइडिया नहीं था, वो अपने ऑफिस रूम में बैठे हुए थे। तो केक अब एक्चुअली सब स्टूडेंट्स को देना था और आज है फ्राइडे। फ्राइडे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आते भी नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स आते हैं बिकॉज नमाज रहता है, इसीलिए मैक्सिमम बॉयज़ नमाज के लिए एब्सेंट करते हैं और फ्राइडे का नमाज कोई मिस नहीं करना चाहते। तो जो स्टूडेंट्स अवेलेबल थे सब में थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और सब काफ़ी खुश भी हो रहा था क्योंकि सर का बर्थडे है और बर्थडे में केक एक्चुअली मिल रहा था। तो इस तरह से काफ़ी इंजॉयबल मोमेंट्स था, मतलब 15 to 20 मिनट्स ऐसे ही टाइम पास हो गया था। और ये रहा 11 बॉयज़ से एक्चुअली सीक्रेटली केक मंगवाया गया था। तो उसके बाद हम लोग घर रिटर्न आने के लिए देखिए बस में बैठ गए और इजान काफ़ी कंफर्टेबल है और बस इसलिए चूज़ करना पड़ा। ऑटो से एक्चुअली घर अगर आते हैं तो 2-3 ऑटो चेंज करना पड़ता है, बट बस में ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता है। और इजान साथ में रहता है, इजान कंफर्टेबल फील नहीं करता है बिकॉज बार बार उसको लेकर के एक ऑटो से उतरने के बाद दूसरा ऑटो पकड़ना, इस तरीके से उसको हैरेसमेंट फील होता है बिकॉज अभी थोड़ा देर में वो सो जाएगा। देखिए अभी वो सोया हुआ है और बस में बैठने से क्या होता है ना, वो आराम से सोया हुआ रहता है। उसके बाद इजान के पापा हम लोग को पिक कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग बस से उतरते हैं। जिदान का एग्जाम चल रहा है इसीलिए जल्दी ऑफ हो जाता है और जिदान को पिक करने के लिए उनको रिटर्न आना ही पड़ता है, तो इसीलिए सोचे इजान के साथ बस में ज़्यादा कंफर्टेबल है और बस जहाँ पर रुकेगा और जिदान के पापा वहाँ से हम लोग को पिक कर लेते तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, उतना ज़्यादा हैरेसमेंट नहीं होता है। घर रिटर्न आने के बाद एक्चुअली बहुत सारा काम हुआ, वीडियो में ले नहीं पाए, बट ये है इवनिंग का वीडियो, मतलब इवनिंग मतलब लंच करने के बाद, असर का नमाज के बाद का वीडियो। अभी मेरा केक प्रिपेयर हो रहा है, सडनली एक्चुअली ऑर्डर आया और शाम को 8 बजे तक डिलीवरी करना है, तो इसीलिए जल्दी से काम को कंप्लीट भी करना है क्योंकि मेरा ट्यूशन भी स्टार्ट हो जाता है और ट्यूशन से पहले अगर केक सेट होने देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब इस टाइम मेरा रेस्टिंग टाइम होता है। बट केक का जब ऑर्डर आ गया तो सोचे कि पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन उसके बाद रेस्ट होगा आफ्टर ट्यूशन। आफ्टर एक्चुअली ट्यूशन के बाद जिदान को भी पढ़ाना रहता है, बहुत सारा काम रहता है और उस टाइम तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और इस टाइम जिदान अब तक अरबी ट्यूशन गया हुआ है एंड इजान सोया हुआ है, तो ये बेस्ट टाइम है, इस टाइम में अगर केक प्रिपेयर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पर देखिए सेल्फी स्टिक यूज़ करते हुए मेरा केक प्रिपेयर हो रहा है, बट बैड लक है और नेक्स्ट टाइम से सेल्फी स्टिक में भी यूज़ नहीं होगा बिकॉज इजान तोड़ दिया, मतलब बच्चे जो होते कुछ किया नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ वो तोड़ फोड़ करता ही रहता है। तो ये मेरा देखिए केक का फिनिशिंग है, ये मेरा केक का फिनिशिंग चल रहा है, सारा केक का काम हो गया है। अब फिनिशिंग काम कंप्लीट करने के बाद ही फिर केक को फ्रीज करने रख देंगे। और ये रहा आफ्टर ट्यूशन का वीडियो, केक तो एक्चुअली सेट हो गया है और कुछ फोंडेंट का वर्क है, फोंडेंट का वर्क भी करना है। एक्चुअली एक 6 मंथ्स बेबी का ये केक प्रिपेयर हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कलरफुल रखने की कोशिश की है। 6 मंथ्स बेबी के लिए हाफ केक चाहिए था तो इसीलिए हाफ केक ही प्रिपेयर हुआ और कुछ
स्टार्स लैडर ये सब यूज हुआ है इस केक में, और यहाँ पर कहाँ पर क्या अरेंज करना है अब एक एक करके अरेंज हो रहा है। और इस बार जिदान काफ़ी हेल्प किया, मतलब वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है हेल्प करने की, बट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। जिदान थोड़ा सा वीडियो लेने में हेल्प किया, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता अकेले वीडियो बनाना एंड देन उसके बाद केक भी प्रिपेयर करना एंड विद इन अ टाइम पीरियड। तो जिदान थोड़ा थोड़ा करके अभी सीख रहा है। जिदान सीखने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, बिकॉज जिदान के पापा ऑलवेज अवेलेबल तो रहते नहीं है, ऑब्वियसली उनका काम भी रहता है। तो इस रीज़न से जिदान अगर हेल्प नहीं करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो जिदान अभी थोड़ा थोड़ा करके सीख रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है वो वीडियो एक्चुअली लेने की। जिदान वीडियो तो ले लेता है अच्छी तरह से, बट थोड़ा सा क्लियर वीडियो नहीं आ पाता है। तो इसीलिए सोचते हैं कि जिदान अगर थोड़ा थोड़ा सीखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिदान का फाइनल एग्जाम चल रहा है, तो इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। और अभी जो केक सेट हो रहा है, जिदान ऑलरेडी एक बार टेस्ट दे चुका है और उसके बाद अभी मेरे साथ साथ हेल्प कर रहा है। उसको अगर अपना पसंद का एक्टिविटीज़ नहीं करने दे वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अभी जिदान को अच्छा लग रहा है जैसे मेरे साथ हेल्प करना है, स्टार्स मेरे हाथ में देना, उसके बाद स्टार्स यहाँ पर केक में लग रहा है। तो इस तरीके से हेल्प कर रहा है जिदान और उसको अच्छा भी लग रहा है, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होने दिए। बिकॉज जिदान अभी नाश्ता करेगा और नाश्ता करने के बाद फिर से अपना, जिदान बहुत ज़्यादा रिलैक्स मूड में रहता है, उसको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता है जो उसका फाइनल एग्जाम चल रहा है। बट हम लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, उसका फाइनल एग्जाम चल रहा है तो वो अपना टेस्ट भी देता है एकदम रिलैक्स होकर और डायरेक्टली बोल देता है, हाँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है किस तरीके से प्रिपेयर होना और सब आता है। बट जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक कन्फर्म नहीं हो पाते। तो इस तरीके से जिदान को पढ़ाना, मेरे स्टूडेंट्स को भी देखना, फिर केक प्रिपेयर, हर एक काम को इंडिविजुअली फोकस में रखना पड़ता है, बिकॉज नहीं तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग जो आप लोगों से शेयर हो रहा है। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे किस तरीके से शाहिद भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ और कहाँ पर हुआ। तो आप लोग उस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंड आप लोग सब अच्छे से रहना।